दोस्तों, केंद्र सरकार ने नए ब्रॉडकास्टिंग बिल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। सरकार की ओर से सोमवार को यानी 12 अगस्त को कहा गया कि इस बिल का नया मसौदा तैयार करने के लिए और विचार विमर्श होगा। आपको बता दें कि यह बिल पिछले साल नवंबर में ड्राफ्ट किया गया था। इसका दूसरा ड्राफ्ट जुलाई में जारी किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने फीडबैक के लिए ड्राफ्ट की कॉपी अपने स्टेक होल्डर्स के बीच बांटी थी। अब इस ड्राफ्ट को वापस मांगा गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बिल 10 नवंबर 2023 को स्टेक होल्डर्स ने आम जनता के सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में रखा था, जिसे अब सुझाव और टिप्पणियां देने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 तक कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि विस्तृत विचार विमर्श के बाद एक नया मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। इस बिल को लेकर इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के एक वर्ग की ओर से चिंता जाहिर की जा रही थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इस नए ब्रॉडकास्टिंग बिल में ऐसा क्या है जिसे लेकर इतना हंगामा हो रहा है। दोस्तों, दरअसल इस बिल का उद्देश्य केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 की जगह लेना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल पब्लिशर्स का कहना है कि बिल के जरिए सरकार उन पर एक तरह की सेंसरशिप लगाना चाहती है। इनका कहना है कि यह बिल यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, OTT और वेबसाइट्स के कंटेंट्स को रेगुलेट करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इसके साथ ही इस बिल में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की बात भी कही गई है। कहा जा रहा है कि इसके लिए यूजर बेस तय किया जाएगा। उससे ज्यादा यूजर होने पर पब्लिशर को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसे लेकर भी खूब हंगामा हो रहा है। बिल का विरोध करने वालों का कहना है कि इस तरह से सरकार अपने हितैषी लोगों को ही लाइसेंस देगी। ड्राफ्ट के मुताबिक कानून बनने के एक महीने के भीतर सभी कंटेंट क्रिएटर्स को अपने कामकाज को लेकर सरकार को जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही सभी को एक ग्रीवांस अधिकारी भी नियुक्त करना पड़ेगा जिससे कंटेंट में गलती होने पर शिकायत की जा सके। इसके साथ ही एक कमेटी बनानी होगी जो कंटेंट को सेफ सर्टिफाई करेगी। इसके साथ ही ड्राफ्ट में एक नई रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने का भी प्रस्ताव था। सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2-tier सिस्टम बनाने का प्रस्ताव भी इस ड्राफ्ट में किया गया था। सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2-tier सिस्टम फॉलो नहीं करने पर सरकार के दखल की बात भी ड्राफ्ट में कही गई थी। आइए तो जानते हैं कि कौन कौन इस बिल के दायरे में आते हैं और आखिर ब्रॉडकास्टर कौन है। दोस्तों, ये बिल डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स को भी नए सिरे से परिभाषित करता है। इसके मुताबिक जो भी बिजनेस के तौर पर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर न्यूज और करंट अफेयर्स को कवर करता है वो इसके दायरे में आएगा। इससे पहले किसी भी अखबार और उसके डिजिटल संस्करण को इससे छूट थी, लेकिन नए बिल के मुताबिक अगर आप अखबार चलाते हैं और उसका डिजिटल संस्करण भी निकालते हैं तो आप इसके दायरे में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सोशल नेटवर्क पर अपना कंटेंट शेयर करके पैसे कमाना चाहते हैं तो ये कानून आप पर लागू होगा। आपको बता दें कि इस नए ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार इस बिल के जरिए मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, ये सरकार पूरी तानाशाही पर उतर आई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, इसे छीनने के लिए ही ये विधेयक ला रही है। अभी विधेयक का पूरा रूप नहीं आया है। जब ये आएगा तब इसका विरोध करेंगे, जब भी लाएंगे तब विरोध करेंगे। आइए तो जानते हैं कि सरकार का इस पर क्या तर्क है। दोस्तों, इस बिल को लेकर सरकार का तर्क है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल के जरिए देश में ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से कहा गया कि कानून बनने के बाद फेक न्यूज और हेट स्पीच पर नकेल कसी जा सकेगी। इसके चलते लोग गलत खबर नहीं फैलाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।